हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्ले स्टोर में हम एक नया आईडी या फिर लॉगिन कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए यही देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। हमें प्ले स्टोर में लॉगिन करना है, इसलिए हम प्ले स्टोर पे यहाँ पे लॉगिन करते हैं। इसे ओपन करते हैं और ओपन होते ही ये इस तरह से आपको स्क्रीन दिख रहा होगा साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, तो इसके लिए साइन इन पे क्लिक करते हैं और फिर ये चेकिंग करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन ना तो हमें ईमेल याद है ना फोन नंबर, और हमें पासवर्ड भी याद नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक नया अकाउंट ही हम बना लेते हैं। तो उसके लिए नीचे क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर फॉर माई सेल्फ पे आपको क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पे हमसे जो है नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आपका नेम यहाँ पे भर देना है, लास्ट नेम। और नेम डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है ऊपर में। तो यहाँ पे मंथ है, मंथ सेलेक्ट करेंगे और इधर है डेट, फिर है इधर ईयर और नीचे है जेंडर। यहाँ पे आप मेल है फीमेल है क्या है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब यहाँ पे हमें जो है एक ईमेल एड्रेस बनाना है। चलिए यहाँ पे आप अपने नाम के साथ बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं आप अपने नाम के साथ जोड़ के, नंबर भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सनोज कुमार और कुछ नंबर डाल देते हैं और इस तरह से डाल के यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये चेकिंग करेगा पहले तो अवेलेबल है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है डैट यूजर नेम इज टेकन, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये यूजर नेम अभी किसी ने बनाया हुआ है, तो आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। नीचे एक ऑप्शन भी आ गया है, यहाँ से चलिए इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दिखेगा, यहाँ से नीचे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर में आ गया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे हमें जो है एक पासवर्ड क्रिएट करना है अपने अकाउंट के लिए। चलिए यहाँ पे आप पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी। चलिए यहाँ पे एक हम अच्छा सा पासवर्ड बना लेते हैं और उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा से डाल के कन्फर्म कर लेते हैं। ये हमने पासवर्ड डाल दिया और फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे फोन नंबर ऐड करने के लिए ऊपर में आ गया है, लेकिन यहाँ पे हम नीचे यस आई एम इन पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आ गया है। इसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे आपको आई अग्री का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि थैंक्स सनोज और नीचे ईमेल एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस लिख भी सकते हैं कहीं पे, आपको ये याद रखना ईमेल एड्रेस, इसे आप दोबारा चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आपका दोबारा जरूरी पड़ता है तो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब ये चेकिंग करके हमारा जो है साइन इन कर देगा। और ये अब गूगल का सर्विसेज आ गया, यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और अब हमारा प्ले स्टोर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमारा प्ले स्टोर यहाँ पे लॉगिन हो गया है। यहाँ से अब हम चाहें तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो प्ले स्टोर का आईडी है वो अब सक्सेसफुली बन गया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, यूजर आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में आप हमें लिख के बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।